नमस्कार, स्वागत है आप सबका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रतिनिधि रचना उनके खंड काव्य भारत भारती की इस श्रृंखला की छठी कड़ी में। कल हमने बात की थी हमारे धर्मनिष्ठ ऋषि मुनियों की, ऋषि गौतम, वशिष्ठ, मनु, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि और वेदव्यास की। हमने जाना निस्वार्थ त्याग, तप, बल और देश प्रेम उन सत्कर्मी राजाओं का, पृथु, पुरु, भरत और रघु जैसे लोकनायकों का जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया अपने देश की रक्षा के लिए, अपने वचन की पालना के लिए, अपने आदर्श सत्य पर वे सदा अडिग रहे। तो आइए हमारे भारतवर्ष के उन्हीं आदर्शों की बात को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे, पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए इस देश ने। आमिष दिया अपना जिन्होंने शयन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए, दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां, शिव हरिश्चंद्र दधीच से होते रहे दानी यहां। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, यहां पर बात हो रही है रघुवंशी राजा रंतिदेव की। तो रंतिदेव की कथा कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने, उनका एक लक्ष्य था कि संसार के सभी प्राणियों के दुख का वो निदान करेंगे, और इसके निदान के लिए वे परिवार सहित 48 दिन बिना खाए पिए रहे, क्योंकि परमार्थ तो उनका रोज का काम था। तो इस तरह से उनका धीरे धीरे राजकोष रिक्त हो गया और कुछ खाने को उनके पास न बचा। अब 49वें दिन उन्हें कहीं से खीर, हलवा और जल प्राप्त हुआ। तो परिवार सहित वो जो ही खाने बैठे, तभी एक ब्राह्मण वहां आ गए। तो ब्राह्मण को भरपेट भोजन करा के उन्होंने भेजा। तो ब्राह्मण के प्रस्थान करते ही एक निर्धन आ पहुंचे। तो अब निर्धन को भी कुछ धन इत्यादि दे के, जो उन कुछ उनके पास बचा था, कुछ भोजन करा के उन्हें भी विदा किया। लेकिन निर्धन के जाते ही चांडाल आ गए एक। अब उनके पास कुछ शेष नहीं बचा था, केवल जल मात्र था। तो चांडाल को भी वो बचा हुआ जल उन्होंने पिला के चांडाल को भी विदा किया। तो वास्तव में ये ब्राह्मण, निर्धन और चांडाल ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव ही तीनों उनकी परीक्षा के लिए आए थे। तो इस प्रकार ऐसा अतिथि सत्कार हमारे देश में होता है कि खुद चाहे भूखा रहना पड़े, परंतु अतिथि की तृप्ति किए बिना उसे विदा नहीं किया जाता। फिर अगले पद में गुप्त जी कहते हैं कि आमिष दिया अपना जिन्होंने शयन भक्षण के लिए, यानी अपना मांस तक दे दिया जिन्होंने एक बाज को। ये कथा है राजा शिव की, कि शिव की दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे अग्नि और इंद्र। तो अग्नि बन गए कबूतर और इंद्र बन गए बाज, और कबूतर का पीछा करने लगे। पीछा करते करते कबूतर अपनी जान बचा के शिव के गोद में जा गिरा। तब शिव ने उस पर अपना हाथ रख दिया और उसे प्राणदान का वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अब जब बाज आ पहुंचा तो उसने अपने शिकार की मांग की शिव से। तो शिव ने कहा कि मैं तो इसे वचन दे चुका हूं प्राण रक्षा का, अब ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले में यदि तुम कहो तो मैं इतना ही मांस अपने शरीर का तुम्हें दे सकता हूं। तो अब वो बाज तैयार हो गया। तो तुला लाई गई और शिव अपने शरीर का मांस काट के एक तरफ तुला में रखते गए और उस कबूतर को तोलने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने शरीर को काटते रहे, मांस चढ़ाते रहे, लेकिन
कबूतर गरुआता रहा, उसका वजन बढ़ता रहा। नौबत ऐसी आई कि अब शिव खुद जाके तुला के उस पलड़े में बैठ गए और बाज से कहा कि तू मेरा ही भक्षण कर ले। अपना शरीर तक उन्होंने उस कबूतर के लिए दे दिया। फिर है जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। तो हरिश्चंद्र की कथा कौन नहीं जानता, जिन्होंने स्वयं को चांडाल के हाथ बेच लिया था अपने वचन की रक्षा के लिए, अपने सत्य पर अडिग रहने के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां। तो जब पता चला कि इंद्रलोक पर वृत्रासुर राक्षस ने अधिकार कर लिया है और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया है, तो देवलोक से सभी देव जो थे वो घबराए और वो ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा से पता चला कि निदान है महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना हुआ वज्र। तो अब प्रश्न यह उठा कि दधीचि से वज्र के लिए अस्थियां मांगने कौन जाए। इंद्र का वैसे ही दधीचि से वैमनस्य था, लेकिन उसके बावजूद वे गए। तो इंद्र के साथ वैमनस्य के बावजूद ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया इंद्र को, ये जानकर कि इससे संपूर्ण सृष्टि का रक्षण हो सकता है, देवताओं का, देवलोक का रक्षण हो सकता है। यहां पे एक और बात रोचक है जो मैं चाहती हूं आपको बताऊं कि अब प्रश्न ये उठा कि दधीचि के शरीर से वो मांस निकालेगा कौन, अस्थियों के लिए ऊपर का मांस निकालना पड़ेगा चर्म इत्यादि। तो वो कामधेनु गाय ने चाट चाट कर उनके शरीर का पूरा मांस निकाल दिया और भीतर से फिर अस्थियां प्राप्त कर उनका वज्र बनाया गया। तो ऐसे शिव हरिश्चंद्र और दधीच जैसे दानी जिस देश में रहे हो उसकी कीर्ति तो अतुल्य होगी। सत्पुत्र पुरु से थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज भी त्यागा। आहा जो धीरता के वीरता के प्राणतम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुशलव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरा सी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। सत्पुत्र पुरु से थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा। तो यहां पर बात हो रही है सम्राट पुरु की, जिन्हें पोरस भी कहते हैं, जिन्होंने अपने पिता के कारण बहुत कष्ट सहे, उनके लिए उन्होंने बहुत त्याग भी किए, लेकिन अपनी मां और मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटे। सिकंदर ने पुरु के सामने मुंह की खाई और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा। भाई भरत से थे जिन्होंने राज भी त्यागा। राजपाट प्राप्त हो जाने के पश्चात भी भरत श्री राम की पादुका सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राज करते रहे। प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु जैसे बालक भी इतने धैर्यवान और वीर थे कि उनकी गाथाएं घर घर में सुनी सुनाई जाती हैं। प्रहलाद की कथा कौन नहीं जानता। तो हिरण्यकशिपु जो स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना, उन्होंने नारायण के सिवा किसी और को ईश्वर नहीं माना, तो नरसिंह अवतार भगवान का हुआ और प्रहलाद का रक्षण हुआ। लव और कुश श्री राम के पुत्र, जिन्होंने बड़े बड़े वीरों के अभिमान को नष्ट किया। अभिमन्यु जिन्होंने गर्भ में ही अपनी माता के चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, तो चक्रव्यूह में उन्होंने अपने प्राण तो दिए लेकिन युद्ध में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ उनका यह प्रयास। ध्रुव की कथा आपको बताती हूं कि स्वयंभू मनु जो थे उनके पुत्र थे राजा उत्तानपाद, उनकी दो रानियां थी,
सुरुचि और सुनीति। अब सुरुचि जो थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो अब दो पुत्र और पिता की एक गोद। तो ध्रुव जब पिता की गोद में जाने के लिए जिद कर रहे थे तो सुरुचि ने उन्हें फटकार दिया। तो ध्रुव की माता सुनीति ने उन्हें समझाया और कहा कि बेटा व्यर्थ चिंता न करो, तुम परमात्मा की गोद में स्थान पाने का प्रयास करो। तो बस ध्रुव ने जैसे ही अपनी मां की वो बात सुनी तभी से वो कठिन तप में लीन हो गए और फिर उन्होंने वरदान प्राप्त किया, आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ ध्रुव तारा। अमर हो गए ध्रुव। फिर अगले पद में गुप्त जी कहते हैं, वह भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरा सी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। भीष्म पितामह, एक अकेले जो सर्व गुण संपन्न व्यक्ति हमारे भारत के माने जाते हैं, उनके इंद्रिय दमन का तो कोई मुकाबला ही कहीं नहीं है। उस उम्र में जब उन्हें युवराज बनाया गया था, जब वो हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने वो भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, अजन्म सिंहासन के दास बनकर रहेंगे। उनका चरित्र, उनकी वीरता, उनकी गंभीरता, उनकी सरलता, उनका वो विशाल विवेक, उसका कोई सानी नहीं है। एक अकेला व्यक्ति सभी गुणों के लिए अनुकरण करने योग्य है। वर वीरता में भी सरसता वास करती थी यहां, पर साथ ही वह आत्म संयम था यहां का सा कहां। आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यूं कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अभिलिखित मुनि के चरित का वह लिखित इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। अनुपम सुजनता सिद्ध है जिनके अमल आभास में। वर वीरता में भी सरसता वास करती थी यहां, पर साथ ही वह आत्म संयम था यहां का सा कहां। तो हमारे भारतवर्ष के उन बलशाली तेजस्वी शूरवीरों में वीरत्व और शौर्य की इसी कठोर भावनाओं के साथ साथ एक सरस रूप यौवन की मधुरता, प्रेम और रसिकता जैसी कोमल भावना भी वास करती थी, लेकिन उसके साथ साथ आत्मसंयम भी कम न था। उनके जैसे आत्मसंयम की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आकर करे रत याचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यूं कामिनी। यह प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक गए थे। तब वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप गुण पर मोहित हो गई और एक दिन उनके पास आई और हाव भाव दिखलाती हुई उन्हें अपने ऊपर अनुरक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तो उसकी वो बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि तुम तो देवराज की सेवा में रहने वाली हो, अतएव मेरे लिए तो तुम शची के समान ही पूज्य हो, इंद्राणी के समान हो तुम मेरे लिए, तुम्हें ऐसी अनुचित बातें शोभा नहीं देती। और उन्होंने इस प्रकार सहज ही उस सुंदरी उस अप्सरा को ना कह दिया। भला ऐसे आत्मसंयम की मिसाल कहीं मिलती है क्या? अगला पद है, यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अपने आप दंड मांगने के लिए राजा के पास जाया करता था व्यक्ति यदि उसने कोई अनुचित काम किया हो,
तो यहां उदाहरण है दो भाइयों का, शंख और लिखित मुनि। बड़े तपस्वी और सदाचारी थे दोनों। बाहुदा नदी के किनारे उन दोनों के अपने अपने अलग अलग आश्रम थे। तो एक दिन लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां के वृक्षों में स्वादिष्ट और मधुर फल लगे हुए थे, तो शंख की अनुपस्थिति में लिखित ने उन फलों को तोड़कर खा लिया। तो जब शंख को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, मेरी आज्ञा के बिना मेरे आश्रम के फल क्यों खाए? अब जो भी हो, तुम तो चोर तो हो, चोरी के अपराधी तो तुम हो, अतएव अब तुम्हें चाहिए कि तुम राजा के पास जाकर अपने लिए दंड की प्रार्थना करो। तो बड़े भाई की आज्ञा टाल भी नहीं सकता था। तो लिखित मुनि पहुंचे राजा सुयुम्न के पास और सब हाल सुना के बोले कि मुझे दंड दीजिए, मैं चोर हूं। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी सत्यता पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तो जब राजा के दंड देने से पाप दूर हो जाता है तो क्षमा कर देने से भी पाप दूर हो जाएगा, तो अब आप जाइए। लेकिन लिखित मुनि न माने, भाई की आज्ञा जो थी अपने वो निश्चय पर अड़े रहे। निदान उनके दोनों हाथ काट डाले गए, जो भी चोर का दंड होता था उन दिनों। तो हाथ कटवा कर वे अपने भाई शंख के पास आए और फिर उनसे क्षमा मांगी और फिर अपने आश्रम में तप करने चले गए। ऐसे धैर्यवान, ऐसे वीर हमारे देश में हुए जिन्होंने हमेशा अपने सत्य का, अपने धर्म का आजन पालन किया। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे हमारे आदर्श आर्य स्त्रियों की, जो किसी भी मायने में किसी भी तरह से पुरुषों से कम होती, अपितु उनसे ऊंचा ही स्थान हमारे समाज में स्त्रियों को दिया जाता था। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूं। सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ भारत भारती की इस यात्रा में। नमस्कार, जय भारत, जय भारती।